एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। पेपर लीक के मामले पर एनएसयूआई सड़क पर उतर आई है। नीट पेपर लीक, नीट पीजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष और कांग्रेस के स्टूडेंट विंग ने सड़क पर हल्ला बोल कर दिया। शिक्षा मंत्री के खिलाफ यह हल्ला बोल है, एनटी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन है। और ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की आप देख रहे हैं जहां पर बैरिकेड हटाने की कोशिश ये तमाम एनएसयूआई विंग के छात्र कर रहे हैं। नीट मामले में एनएसयूआई का आज भी प्रदर्शन है। पहले से ही ये प्रदर्शन बुलाया गया था जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा गया था कि नीट में जिस तरीके से धांधली हुई है पेपर लीक मामले में, प्रदर्शन के लिए छात्र जुड़े। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, पहले तो तस्वीरें दिखाइए और कौन कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ठीक है, लौटेंगे अनमोल के पास। इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं सामने जिसमें बैरिकेड पर प्रदर्शनकारी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा भी जबरदस्त तरीके से है क्योंकि पहले से ही ये प्रदर्शन बुलाया गया था। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स को हिरासत में भी लिया गया है। क्या तस्वीरें हैं वहां की दिखाइए। ठीक है, लौटेंगे अनमोल के पास। इस बीच एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें अब हिरासत में लिया गया है। बस में भरकर उन्हें ले जाया जा रहा है थाने। प्रदर्शन दरअसल उग्र ना हो इसको लेकर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन बुलाया गया है। अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन है, उन्होंने अपना जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी हो, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा मंत्रालय, उसके खिलाफ खोल लिया। और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ वो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे और साफ तौर पर जो उनकी मांग है कि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो इस मामले में घिरती दिख रही है उसको रद्द किया जाए, एनटीए को बंद किया जाए और रीनीट करवाया जाए। जो रीनीट है, नीट का जो यूजी का एग्जाम है उसको फिर से करवाया जाए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग भी है और जो छात्र हैं आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ना केवल यहां पर ये हालात हैं, संसद में भी जो देखा जा रहा है, जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर घेरेगी और सड़क पर भी जो विद्यार्थी हैं वो उतर आए हैं। कैमरामैन इमैनुअल जोस के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। अनमोल बाली जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी है, प्रदर्शन उग्र ना हो इसको लेकर क्या तैयारी है वहां पर पुलिस प्रशासन की? और इस बीच तस्वीरें भी दिखाइए, समझाने की कोशिश करिए कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। नेहा, इस समय में जंतर मंतर पूर्व यहाँ कुछ देर पहले देखा गया था कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन है उसके जो कार्यकर्ता थे और उसके साथ जुड़े जो विद्यार्थी थे यहाँ नेशनल टेस्ट एजेंसी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी और एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ एक धरने के लिए इकट्ठा हुए थे और उनका सीधा सीधा संसद मार्च का प्लान था। वहीं मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि कैसे विद्यार्थियों को रोकने के लिए यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, उनकी भारी तैनाती की गई है। एंटी राइड गियर के साथ, हेलमेट और डंडों के साथ यहाँ पुलिसकर्मी है और रैपिड एक्शन फोर्स के इकट्ठे हुए। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ बैरिकेटिंग भी कर रखी है। आप चारों तरफ मेरे देखेंगे कि पीछे भी बैरिकेटिंग है, आगे भी बैरिकेटिंग है। और अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा जो जंतर मंतर के बाहर को जाती है, कनॉट प्लेस की तरफ जो सड़क जाती है, वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 6 फुट से ऊंचे बैरिकेड रखे गए थे। यहाँ विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे, बैरिकेड को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। इसी बीच देखा गया कुछ विद्यार्थियों के साथ लाठीचार्ज भी होता है, विद्यार्थियों को खदेड़ा भी जाता है। कई विद्यार्थियों को अभी यहाँ से या एनएसयूआई के कार्यकर्ता कहे उनको यहां से अभी डिटेन करके ले जाया गया है। नेहा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एनटीए के खिलाफ ये प्रदर्शन बुलाया गया है। एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र और तमाम अन्य छात्र संगठन भी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।
ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर पोस्टर लगाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि एनटीए को बैन किया जाए, रीनीट किया जाए, यानी कि नीट की परीक्षा दोबारा करी जाए। सिलीगुड़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन एनटीए के खिलाफ हो रहा है, तो देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है दरअसल इस नीट पेपर लीक मामले में, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट छात्र परिषद का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। भविष्य का सवाल है, सिर्फ इसमें 24 लाख बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके साथ उसके अभिभावक इन्वॉल्व है और जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उसके साथ भी एक उनके ऊपर भी एक असर पड़ा है कि आज हम तैयारी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पैसे लेकर सर्टिफिकेट बिक्री किया जा रहा है और डॉक्टर बनाया जाता है, इससे आने वाले फ्यूचर के ऊपर असर पड़ेगा और जो हमारे भविष्य के जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो हम लोग